राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुलिस मेडल मोहिद्दीन खां को प्रदान किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुलिस मेडल जो नदवासराय के रहने वाले हैं मोहिद्दीन खां को प्रदान किया गया है। रिटायर होने के बाद घर वापस आ गए थे, वहीं बीएसएफ ने घर पहुंचकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। आपको बता दें कि बीएसएफ देश की सबसे बड़ी बॉर्डर है। कार्यक्रम के दौरान अच्छे कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने पुलिस राष्ट्रपति पुलिस मेडल ने प्रदान किया गया है और घर पहुंचकर इनका फूल माला पहनाकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी ने इनका स्वागत किया है। कार्यकाल के दौरान इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, इसको देखते हुए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। उसमें इन्होंने काम किया और काम करने के उपरांत इतना अच्छा काम किया कि प्रेसिडेंट पुलिस मेडल इनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। अब चूंकि ये रिटायर हो गए तो इन्होंने हमारे हेडक्वार्टर ने एक ऑफिसर को डिटेल किया कि इनके घर पे जाके इनको देखे आए, तो इनकी बहुत ही अच्छी सर्विस थी जो ये सब ने इनकी सर्विस को रिकॉग्नाइज किया और भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुलिस मेडल इनको दिया गया। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक सिपाही आज इस हद तक पहुंचा है कि एक राष्ट्रपति का मेडल से दिया जा रहा है, वो भी घर आकर के। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने सर्विस किया, जितनी मतलब अच्छा किया, आज उसका फल मुझे मेरे घर पे दिया जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और शायद वो मेरे गांव वालों को, डिस्ट्रिक्ट वालों, स्टेट वालों को, सबकी खुशी हो जाए। गाँव के लोगों को मैं जो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों की गाइडलाइंस, आप लोगों का स्नेह जो मुझे इस काबिल बना दिया कि आज मुझे राष्ट्रपति मेडल मिला है, इसमें मेरे गांव, मेरे डिस्ट्रिक्ट सभी का मैं आभारी हूं। हैं, सबने साथ दिया और मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। 41 सालों में आप कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ऐसा है कि देखिए, सर्विस हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऐसा फोर्स है कि इसमें हमें हर एक इलाके में रहना पड़ता है। 50 डिग्री माइनस से जो है राजस्थान गुजरात में रहना पड़ता है, कश्मीर से उसे पहाड़ियों में रहना पड़ता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जहाँ की जो बारिश बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत पड़ता है, हर रहता है। लेकिन हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम अपने जो हमें आदेश मिल गया या फोर्स के अंदर जो भी हो गया उसको हमें बखूबी हंसते हुए मानना है और अपने जवानों से मनवाना है, और वही हमने किया। इसलिए हमें कोई हमें तकलीफ हुआ, हम तकलीफ को मानते ही नहीं। जब हमने बेल्ट लगा लिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर्विस कर लिया, तो हमने सोचा नहीं तकलीफ क्या चीज होती है। हम तकलीफ कुछ मानते ही नहीं है, बस हमारा एक ही होता है कि दिए हुए टास्क को पूरा करना।